नमस्कार, दोपहर वार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। आज हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस के ऐसे अफसरों की जिन्होंने विभाग के नाम पर बट्टा लगा दिया है। जनता की सुरक्षा में लगी पुलिस खुद जनता की दुश्मन बनती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की, जिसके लिए आज की हमारी टैगलाइन है, सुधर जाओ यूपी पुलिस। अगर बात करें 7 दिनों की, तो यूपी में रोजाना करीब 10 बड़े मामले सामने आते हैं। इस लिहाज से देखें तो पुलिस के नाकारेपन की वजह से कानपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, और कानपुर में पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। भारत समाचार के एंकर ने एडीजी से जब बात की, एंकर ने यह सवाल पूछा कि आप मौके पर जा रहे हैं, एडीजी का ऐसा जवाब था कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है। बाद में जब ये मामला बढ़ा तो उनको जाना पड़ा, और ये पुलिस के नाकारेपन की वजह से ये घटना घटी। प्रदेश के मंत्री का भी बयान आया कि पुलिस अगर सतर्क रहती तो ऐसा नहीं होता। इसी तरह एटा में बच्चों को इंसाफ के लिए 5 दिन से धरना देना पड़ रहा है। लखनऊ में गर्भवती को पीटा गया। इस जैसे तमाम मामले हैं जो यूपी पुलिस के मुंह पे बिल्कुल काली पोत रहे हैं। बहुत शर्मनाक है और बहुत कठिन है। मथुरा में माता पिता की हत्या हो गई थी, उसको न्याय दिलाने के लिए पुलिस के चक्कर काटती काटती थक गई, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। गाजीपुर में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये यूपी पुलिस के नाकारेपन को दर्शाने के लिए काफ़ी हैं। सरकार बदल गई लेकिन यूपी पुलिस का चाल, चरित्र और चेहरा ये नहीं बदला। तो भारत समाचार और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अब कह रही है कि सुधर जाए यूपी पुलिस। ये डिबेट का मुद्दा है और इस पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईपी सिंह साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ रिजवी साहब कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश सिंह यादव जी जो कि पूर्व मंत्री हैं और सपा के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वीरेंद्र सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी और लखनऊ के ब्यूरो चीफ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं दोपहर वार, और देखते हैं कि यूपी पुलिस आखिर क्यों नहीं सुधर रही है। सबसे पहले अपने वरिष्ठ सहयोगी वीरेंद्र सिंह का रुख करते हैं। वीरेंद्र जी, जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, कहीं कमजोरों पर काल बन के टूट रही है पुलिस? कल की लखनऊ की घटना है, वहां पे एक पानी बताशे वाले को पुलिस ने जबरदस्त तरीके से पीटा। आज भी एक लखनऊ की और बाराबंकी की रेप की खबरें आई हैं। और दूसरी चीज ये है कि पूरे प्रदेश में जो खबरें आ रही हैं, कमजोर लोगों के लिए काल बनी हुई है। एनकाउंटर हो रहे हैं और एनकाउंटर पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन कुल मिला जुला के सरकार बदली है लेकिन पुलिस का चरित्र नहीं बदला है। बिल्कुल सही है रमन जी कि सरकार बदली लेकिन पुलिस का चरित्र नहीं बदला। उसके पीछे कारण एक तो जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, जिसके तहत अभी तक पिछली सरकारों से जुड़े हुए तमाम अधिकारी विभिन्न जगहों पर पोस्टिंग में हैं। और जब सरकार बदलती है रमन जी, तो बहुत सारा जो आक्रोश होता है, जो सत्ताधारी जो विपक्ष में रहता है, जब जो सत्ता में आ जाता है, उसके कार्यकर्ता चाहते हैं किस तरह परिवर्तन हो, ऐसा नहीं होता, उसको लेकर टकराहट होती है। और पुलिस का देखिए निचले स्तर पर वसूली का पुराना इतिहास है और रवैया है, वो भ्रष्टाचार इतनी जल्दी बंद नहीं हो पाएगा। उसके लिए जिलों जिलों में थाने थानों पर एसपी ईमानदार हो, थानेदार ईमानदार हो, तब जाकर ये सब चीजें आएंगी। साथ साथ टाइम बहुत लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का डर हो। सरकार जब बनी थी तब ये कुछ दिन तक ये जो वसूली तंत्र है इनका कुछ दिन तक चुप था, इसलिए कि ये ऑब्जर्वेशन। देखिए आप, अवैध स्लॉटर हाउस बिना बोले बंद हो गए, बिना बोले बंद हो गए, अपने घर में भी नहीं शिफ्ट हुए थे, तो बिल्कुल बिल्कुल हाउस से बैठ कर बंद करा लेकिन, दिया। लेकिन लेकिन मजनू की फौज गायब हो गई पार्कों से और शहरों से और लड़कियों के स्कूलों के सामने से। लेकिन धीरे धीरे पुलिस को ये लग गया कि अब उनका कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली मुझे लगता है कि पुलिस ऐसा सोच रही थी कि जो शासन काल बीजेपी का इससे पहले उत्तर प्रदेश में था, कल्याण सिंह के समय में, उसी टाइप का कुछ होगा। तो पुलिस वाले भी अब मुझे लगता है टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। आईपी सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इनकी इमेज पर बट्टा लगा रही है गवर्नमेंट की इमेज पर, लगातार पुलिस वाले बट्टा लगा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। बलिया का इतना बड़ा मामला हुआ था, रागनी हत्याकांड में 60 दिन होने के बाद भी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। रागनी हत्याकांड में मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। उसकी बहन की हत्या हुई, उसके बाद दोबारा दबंगों ने जाके अभी हाल ही में 4 दिन पहले उसकी छोटी बहन के साथ छेड़छाड़ की है और हंगामा किया है और धमकी दी है। तो इस तरह के तमाम केसेस आ रहे हैं। आप बताइए कि जनता का विश्वास कैसे पुलिस पे
बैठेगा, इसलिए कि सरकार पे विश्वास है, लेकिन जब पुलिस ही ऐसा काम कर रही है तो कैसे लोग भरोसा करेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर अगर खास तौर से देखा जाए तो जो प्रशासनिक मशीनरी है, जैसे DGP हैं, ADG कानून व्यवस्था हैं, उसके बाद जो कप्तानों की एक फौज है सभी जगह, और प्रमुख सचिव गृह, इनकी अहम जिम्मेदारी बनती है कि अगर जो कप्तान बेहतर काम नहीं कर पा रहा है, या जिस कप्तान के अंदर जो थाने हैं उन थानों पर अभी भी वो थानाध्यक्ष सुधरने को नहीं तैयार हैं, जो कप्तान किसी तरह से नियुक्ति पा लिए या बने हुए हैं, अगर वो जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि DGP इसका संज्ञान लेंगे, प्रमुख सचिव इसका संज्ञान लेंगे, और ये एक विस्तृत रिपोर्ट पूजनीय योगी जी के पास जाएगी, और सरकार निश्चित तौर पर ऐसे अफसरों के खिलाफ या ऐसे थानाध्यक्षों के खिलाफ जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो कप्तान करें, और कप्तानों के खिलाफ जो ठीक से नहीं काम कर पा रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। बिल्कुल होनी चाहिए, और हम आपकी बात को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, एग्री भी हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो नहीं रहा। जगदेव सिंह यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक इतनी शर्मनाक घटना हुई थी फिरोजाबाद में, सबको याद होगी वो घटना, 10,000 का सूदखोर 10,000 रुपये लिए थे, 70,000 रुपये वो वसूल चुका था, उसके बाद वो दिन दहाड़े फिरोजाबाद में उसकी वाइफ को किडनैप कर लेता है, उसके बाद थाने से मामूली धारा लगा के उसको छोड़ दिया जाता है शांति भंग की आशंका, और चलो हमने दिन भर चलाया, हमने लगातार खबर चलाई, उसमें थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया, उसके खिलाफ थोड़ा बड़ा एक्शन हो गया। कंसर्न ये है, जैसा कि अभी IP सिंह साहब कह रहे थे कि थानेदार के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन थानेदार तो डरेगा SP से ना, और SP डरेगा किससे? अगर SP के खिलाफ शासन कार्रवाई करता है, सरकार कार्रवाई करती है, तभी तो डरेगा। तो जगदेव सिंह जी, इस भाजपा के शासनकाल में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था फिरोजाबाद में, SP को क्यों नहीं हटाया गया? देखिए, ये प्रशासनिक क्षमता का मामला है, ये सरकार की प्रशासनिक क्षमता का प्रश्न चिन्ह है, और सरकार की पकड़ का प्रश्न है। अभी DGP को 3 महीने बढ़ाया गया, उनका विदाई समारोह हो गया तो उसके बाद बढ़ाया गया, पूरा प्रशासन शासन भंग हो गया है, कोई सुनने मानने की तैयारी नहीं है। पहले दौर में देखे पुलिस वालों की हत्याएं हुई, SSP के यहाँ इनके MP ने की, आज आपने ये भी देखा है कि BJP के विधायक के खिलाफ जो है गोलीबारी हुई, ये पूरी तरह सरकार 6 महीने फेल हो गई है, और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। अखिलेश सरकार ने तो डायल 100 चलाया था, 15-20 मिनट में पहुँचती थी, क्या हुआ उसका? 1090 चलाया था, क्या हुआ उसका? जो व्यवस्थाएं प्रशासनिक के आधार पर बनाई गई थी, पुलिस को एक्टिव किया गया था, थाने एक्टिव किए गए थे और एक्टिवेट किए गए थे, और नई टेक्निक लाई गई थी, सारी की सारी सरकार में, मैं समझता हूँ देखिए, हमारे आज की जो वर्तमान व्यवस्था है, ये यहाँ का चाहे ये आपका DGP हो, गृह सचिव हो, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन तभी करेंगे, पहले से बिगड़ी हुई है, करेंगे जब मुख्यमंत्री महोदय खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा, काली को दी जाएगी, मुख्यमंत्री क्यों नहीं करते, उस समय क्यों बिगड़ी हुई थी? उस समय भी तो बिगड़ी हुई थी जगदेव जी, नहीं उससे उस समय तो थाने से उससे 200 गुना बढ़ गया, आज थाने बिक रहे हैं, संघ के लोग थाने बैठे रहते हैं, आप तो वहीं बिकते थे, भगवा दुपट्टा डाल करके लोग गुंडाई कर रहे हैं, चलिए आसिफ रिजवी साहब जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, ये क्या सरकार क्या कर रही है? ये अक्षमता है ये योगी सरकार की, जो सबके सामने आ रही है। 6 महीने हो गई, अब कानपुर में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, अपहरण कर दिया, एक मामले है, पूरे प्रदेश में चारों तरफ ये थाने बिक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था जो बिगड़ रही है, कहीं हद तक सरकार उसकी जिम्मेदार है, और सरकार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी उसकी जिम्मेदार है। किसी भी प्रदेश में अगर एक मुख्यमंत्री होगा तो सरकार बेहतर चलेगी। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में क्लियर ही नहीं हो रहा है कितने मुख्यमंत्री हैं, बंसल जी मुख्यमंत्री, नहीं मैं कह रहा हूँ ना, नहीं कैसे आपके, इसलिए कह रहा हूँ कि रागनी हत्याकांड में मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि 20 दिन में एक्शन होगा, 30 दिन में एक्शन होगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री कहने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, मुख्यमंत्री को सुन नहीं रहा अधिकारी, नहीं, नहीं, नहीं। और अधिकारी मुख्यमंत्री क्यों नहीं सुनता, पता है ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कहा जाता था, अरे इस सरकार में तो लिखा पढ़ी में मुख्यमंत्री है भैया, अरे लिखा पढ़ी में तीन मुख्यमंत्री है, वोट DTC में ही है, उसमें लिखा पढ़ी में तीन मुख्यमंत्री है, लिखा पढ़ी में है ना, वहां तो बिना लिखा पढ़ी के कितने, अरे यहां बंसल जी बिना लिखा पढ़ी के, इनका आपराधिक इतिहास है, बंसल जी लिखा पढ़ी में बिना लिखा पढ़ी के मुख्यमंत्री है, इससे इसका क्या रिलेशन, क्या रिलेशन है वो बता रहा हूं, वही मैं बता रहा हूं, क्या चलाएंगे तो यही रिलेशन बता रहा हूं आपको, क्या उसका रिलेशन ये है कि आप बताइए किसी घटना को संज्ञान में लेके स्वयं मुख्यमंत्री का है कि 30 दिन में एक्शन है उसके अंदर होना चाहिए, और मुख्यमंत्री का है, कोई मंत्री नहीं,
मुख्यमंत्री का है, उसके बाद उसकी बहन की हत्या हो जाए, उसके बाद भी बहन की हत्या होने के बाद भी जो है लोग जाके उसके घर पे गुंडाई करें, इसका मतलब है मुख्यमंत्री लाचार है, मुख्यमंत्री एक्शन नहीं ले पा रहा है एक एसपी के ऊपर। इतने लाचार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं कि वो स्वयं कह रहे हैं और उसके बाद एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब है उनके ऊपर। चलिए आईपी सिंह साहब, एक मिनट जी, आसिफ साहब का मैं जवाब जी बिल्कुल, कि जब इनके नेता श्री राहुल गांधी केंद्र की और श्रीमती सोनिया गांधी रिमोट से सरकार चला रही थी, एक मिनट रुकिए ना, आपकी बात जब आ गई थी आसिफ भाई तो मैं चुप था, सुन तो लीजिए, रिमोट से चला रही थी, पूरा देश देख रहा था कि प्रधानमंत्री रोज नतमस्तक रहते थे, लेकिन संगठन के नाम पर जिस तरह आपने विवादित करने का काम किया है कि संगठन के लोग सरकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये कांग्रेस नहीं है, संगठन अपना संगठन का काम करता है, सरकार निष्पक्षता के साथ नहीं, वो सब जनता के पक्ष में जो हो सकता है मान लिया, बेहतर काम योगी जी और हमारी सरकार मान लिया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आईपी सिंह साहब, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, और ये सवाल जो हम उठा रहे हैं कि सुधर जाओ उत्तर प्रदेश पुलिस, सुधर जाइए पुलिस के आला अधिकारी जी। 8 मार्च को मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में एक माँ बाप की हत्या कर दी गई, आज 8 महीने से वो लड़की उसके बच्चे इंसाफ की गुहार लगा बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल, और उस लड़की ने फेसबुक पे अपना वीडियो डाला अभी 10 दिन पहले और परसों उसने आत्महत्या कर ली, और इंसाफ नहीं मिला है वो। और ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में अगर इस तरह से पुलिस काम कर रही है तो आखिर पुलिस के ऊपर चेक बैलेंस किसका? और सुनिए ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, कल जब कुछ संगठनों ने इस इशू को लेके जाम लगाया वहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया उन पे। ये इससे बड़ा अंधेर क्या हो सकता है कि सरकार गूंगी बहरी अंधी हो गई है क्या? नहीं आईपी सिंह साहब ये बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि ये निकम्मी पुलिस क्यों निकम्मी होती जा रही है और सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। पुलिस का इकबाल गुंडों में खत्म हो गया है और आम आदमी से भरोसा उठ गया, आम आदमी का भरोसा पुलिस से एकदम साफ उठ गया है और सरकार की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप इस चीज को गंभीरता से सोचिए कि ये बट्टा लगा रहे हैं ऐसे ही लोग, इनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इच्छा शक्ति करके दिखाएंगे, ये सच है, खाली कहने थोड़ी होता है, कुछ मामले दिखाने संज्ञान में आए हैं, ये मामले मतलब पब्लिक डोमेन में है और इस बात को हमने भी साफ तौर से स्वीकार किया कि जो कप्तान या जो थानाध्यक्ष इन मामलों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सरकार लगातार इन इस चीजों को मॉनिटर कर रही है जी, लेकिन जी, जिस तरह का कानून व्यवस्था थी, एक मिनट, जिस तरह की कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, जिस तरह का जनरल राज था, विपक्ष का आवाज मतलब आइए पहली बार चैनल पे नहीं बोलने दे रहे एक सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि इस घटना में 40-30 दिन के अंदर एक्शन होना चाहिए और उसके बाद एक्शन नहीं हुआ, उसके उसकी बहन का मर्डर हो गया, तो मुख्यमंत्री एसपी अकेला एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री से बढ़ के भी यहाँ पर कोई है? इसका मतलब कि मुख्यमंत्री यहाँ दब के काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री है कहीं नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 मुख्यमंत्री हैं। देखिए जवाब दें इस बात का। देखिए 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 वीरेन जी, आपको याद होगा जब सबसे पहली घटना हुई थी मथुरा में जो व्यापारियों की हत्या हुई थी, उस समय भी यही सवाल उठा था कि आला अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, उसके बाद से लंबी लिस्ट लग गई। आप हाल में बीएचयू की घटना देखें, कोई घटना देखें, मेरे पास एक हफ्ते के आंकड़े, एक हफ्ते में मैं आपको 3-4 बड़े मामले बताता हूँ मथुरा का जी, जो सरकार की आज फजीहत हो रही है सब पुलिस के नाते ही हो रही है, सारी किरकिरी पुलिस के कारण है, और एक एक खाली मैसेज मथुरा में शुरू में दे दिया गया होता या कोई भी बड़ी घटना पे, आप ये बताइए मथुरा में क्या गलती हो गई? जब कार्यकाल बढ़ाए जाएंगे अधिकारी की जाएगी तो यही आलोक वीरेन जी, वीरेन जी मान लीजिए बेचे जाएंगे, नहीं नहीं आने बेचे जाएंगे, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इन्होंने गलत किया तो आप गलत करेंगे, आपके कहने का मतलब है कि सब सुनिए, सुन रहा है गलत हो रहा था तो सुनिए, संघ के लोग दखल करेंगे, संघ के लोग दखल करेंगे, नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं बात की निंदा करता हूँ, मेरी बात सुनिए, आसिफ जी, आसिफ जी साहब, आसिफ जी, वीरेन जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कार्यकाल बढ़ाना एक अलग चीज है,
चलिए उनकी अच्छी छवि रही है, कार्यकाल बढ़ाया गया, लेकिन सवाल यह है कि उस छवि का परसेप्शन क्या जा रहा है जनता में, उस छवि का परसेप्शन क्या जा रहा है जी, कि जो कुछ है सबसे ज्यादा केंद्रीय सरकार की पुलिस की वजह से हो रही, उसके पीछे देखिए भ्रष्टाचार है और अपराधियों पर पुलिस ने डंडा चलाया, एनकाउंटर बढ़े हैं, लेकिन जब एक बच्ची मथुरा में वीडियो डाल रही है अपना फेसबुक पे और उसके 3 दिन बाद वो आत्महत्या कर रही है, तो आखिर पुलिस के आला अधिकारी कहां सोए थे जो सोशल मीडिया पे आज एक गाजीपुर का एक लड़का वीडियो डाल रहा है, वो वीडियो हमने दिखाया था आत्महत्या से पहले, पुलिस नहीं सुन रही है और उसमें हमारे चलाने के बाद फिर अब सुनने लगी। सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोकल स्तर पर पुलिस पर निगाह रखने वाला कोई आदमी नहीं हो रहा, जब तक अफसरों के खिलाफ कार्रवाई, देखिए मायावती का एक जमाना था जब DMSP को वो खड़े खड़े सस्पेंड कर देती थी जेल में जाके और डरने लगे थे, कार्रवाई होने लगी थी लैंड ऑर्डर के मामले में, लोग मायावती को कल्याण सिंह को याद करते हैं, कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री रहे। बीरेन भाई माफी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं और मुख्यमंत्री एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब एक्शन कौन लेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई एक्शन लेते हैं, मौर्या जी कुछ कह देते हैं, दिनेश शर्मा जी कुछ कह देते हैं। अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए योगी ने बेईमान भ्रष्टाचार आदमी को नहीं संरक्षण दिया। अच्छा तो योगी ने नहीं, अभी उनको काम करने का मौका तो दीजिए, 6 महीना तो हुआ, अखिलेश सरकार भी तो एक साल नहीं हो रही है। जो प्रशासनिक अनुभव नहीं है उसको समय लगेगा। देखिए आसिफ रिजवी साहब बिगाड़ा इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, सवाल ये है और आसिफ जी आप जो बोल रहे हैं ना कि 6 महीने हुए तो हत्याएं होंगी, हम डिबेट इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है नहीं हत्याएं तो नहीं हो रही हैं। बिल्कुल मैं अच्छा एक बात और भी बता रहा हूँ, लखनऊ के अंदर एक महिला की भाड़े पे हत्या हो, सारे चैनल चलाया हो, आसिफ जी इसीलिए तो हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आईपी सिंह साहब ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए, इसलिए कि ये अब जनता की आवाज हो रही है। आपको बता दूं वो अबेंडेंड है, वहां पर पुलिस नहीं रहती है, वो खाली पहले कभी रहा था बूथ, वो बंद हो चुका है। कंसर्न ये है आईपी सिंह साहब, देखिए शुरू में जब मथुरा वाला वीरेंद्र जी जब मामला हुआ था, हम लोग को लगा चलो नई सरकार है, सबको ये लगा कि हो सकता है गलती हो गई हो डिसीजन लेने में, नहीं समझ बड़े अधिकारियों के खिलाफ, अगर SP नहीं देख रहा है तो DIG IG ADG ये काहे के लिए बैठे हैं, दरिंदगी हो गई, इंसानियत मर गई, मां बाप की हत्या हो गई, लड़की मर गई और आज देखो साक्षी मर गए, मीडिया को काम करने से रोकता है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ मथुरा में जब व्यापारियों को मर्डर हुआ था, मेरा कंसर्न ये है कि उस समय पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आईपी सिंह साहब ध्यान से सुनिए ये सोच रही थी कि चलो नई सरकार है और शायद एक्शन लेने में देर हो गई, लेकिन अगले मामले जो भी आएंगे उसमें एक्शन लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री बोलते हैं, उनके बोलने में उनकी इच्छा शक्ति में कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं कि गुंडे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, एक बात बताइए चिरहरण फिरोजाबाद में कितनी शर्मनाक घटना है वीरेंद्र जी, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कितनी शर्मनाक घटना है, 10,000 रुपए के लिए एक आदमी का सरेआम, उसकी मनोदशा उस औरत की क्या होगी जिसको सरेआम उसका चिरहरण हो रहा है और उसके बाद भी SP यहाँ से फोन नहीं उठा रहा था, उसको सस्पेंड नहीं किया गया, दशहरे के दिन की घटना था, उसी दिन रावण ने सूतखोरी में एक औरत उठा लिया, पत्नी को ले जा रहा था, उसके साथ लोगों ने जाकर रह दिया। और सुनिए आईपी सिंह साहब, एक बात मैं कहूंगा कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी आबादी है, मुख्यमंत्री के 50 आंख होना कान नहीं होते हैं, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो उसको अपने इन्हीं सिस्टम पर भरोसा करके आगे बढ़ना, लेकिन सिस्टम को टाइट रखना पड़ेगा, सिस्टम में कार्रवाई कितनी इफेक्टिव बिल्कुल आईपी सिंह साहब, हमारा यही कंसर्न है कि एक एटलीस्ट कम से कम जनता को मैसेज जाए, जनता को देखिए मैसेज जाना खाली वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता को मैसेज जाता है तो साथ ही साथ अपराधियों को भी मैसेज जाता है और साथ ही साथ पुलिस को भी मैसेज जाता है, अगर गलत करोगे, गलत करोगे, विपक्ष के MLC को खरीदना है, सरकार बहुत बिजी है
उसको 2019 की तैयारी करना है, विपक्ष के लोगों नहीं, को वो एक अलग इशू है, एमएलसी को खरीदना है, लॉ एंड ऑर्डर पर काम नहीं करना है। आसिफ को दर्द इसलिए ज्यादा है कि कल वहां पर अमित शाह जा रहे हैं मेठी में, राहुल जी को परेशान नहीं, हम तो कर रहे हैं इनवाइट है ना, दर्द इसलिए ज्यादा है, कह रहे हैं मेठी के लिए कुछ किया नहीं, दूसरी दफा मेठी में जो बंदा है आसिफ जी कल का अखिलेश जब लालू बोले कल का खराब बोले, नहीं कल का अखिलेश यादव काम कर दिए, वही सरकार है, नहीं कल का अखिलेश यादव को बयान, अखिलेश यादव ने तो बोला कि 2019 में चुनाव अकेले लड़ेंगे, हुआ मोदी जी अभी चले गए अकेले लड़ेंगे, उन्होंने क्या कहा, मैं छोटी आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, उन्होंने क्या कहा मैं उसके जवाब नहीं दे सकता हूं, नहीं तो मैं अपनी बात कह सकता हूं, अपनी बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं आपको, इस समय सबसे प्रमुख चीज यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बदला हुआ है, जो जंगल राज चल रहा है, इस पर कमांड कौन रखेगा, अगर मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी एसपी नहीं डर रहा है और मुख्यमंत्री उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बहुत कमजोर है, जंगल राज है, जिस तरह ताश के पत्तों की तरह हम पे आरोप लगाते थे, जिस तरह ताश के पत्तों की तरह मायावती और श्री अखिलेश यादव अधिकारियों को फेंटते रहे, आप देखिए ना, आप पैसे बनाते रहे, रोज पैसे बिल्कुल विश्वास करिए, जिस तरह की कर रहा है योगी जी की है, कहीं इस तरह का आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं लग सकता, सुनिए कोई आप समाजवादी पार्टी या कतई कंपेयर नहीं कर सकते, देश का सबसे आगे बढ़ाइए, अपने आप आगे करके दिखाइए, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ से 26 करोड़ है, ऐसे 7 राज्यों के बराबर है, 4 घटनाएं आपने गिनाई, चार घटनाएं अगर 25 करोड़ आबादी में होती हैं, अभी घटनाएं घटनाएं घटने के बाद हुआ, अगर अगर हमारा प्रशासन कर्भूता लगाना पड़ा, जब घटनाओं को नहीं निपटता तब हम नहीं उठा सकते, लखनऊ मलियाबाद में महिला का रेप हो रहा है, गोली मारी जा रही है, लेकिन अरे नगर निगम चुनाव आ गए, बहुत तेजी से यहाँ डिफर हूँ मैं, नियंत्रण नहीं, यहाँ मैं आपकी बात से डिफर हूँ, सवाल यहाँ मैं आपकी बात को पुलिस की कतई में ऐसे अधिकारियों का फेवर नहीं कर सकता, आईपी सिंह साहब मैं नाम लेकर बता रहा हूं, जिनके वजह से हमारी सरकार के ऊपर कोई एक मैं नाम लेकर बता रहा हूं, आईपी सिंह साहब, लेकिन इतने बड़े सूबे में अगर घटनाएं घटती हैं उसके बाद अगर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो शायद आप उस पर उंगली उठा सकते हैं, महिला की हत्या होगी, अधिकारियों में डर भय नहीं है, ये बात कानपुर की जो घटना बता रहे हैं, कानपुर में मैं इस बात से डिफर हूं, बस का सरकार चलाना नहीं है, मैं इस बात से चला पाया, पहली बार बहुमत आप पाए, उसके बाद सरकार चलाने की बात आप करते हैं, वो सब छोड़ दिए, वो सब छोड़ दिए, वो सब छोड़ दिए, वक्त समय बहुत खत्म हो चुका है, हमारा टाइम खत्म हो चुका है, अखिलेश सरकार ने चलिए हमारा टाइम खत्म हो चुका है, हमारा टाइम खत्म हो चुका है, साइलेंस प्लीज, साइलेंस आप सत्ता में हैं, आप लोग अपने बारे में सोचिए कि आपका आपका इंप्रेशन क्या जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ वीरेन जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मथुरा एक हफ्ते के मामले बता रहा हूँ, मथुरा में माता पिता की हत्या, बेटी ने सुसाइड किया, सिस्टम ने उसकी जान ले ली और पुलिस वाले मीडिया से भिड़ गए, सिद्धार्थनगर उगाही के लिए पुलिस ने पीटा, थानाध्यक्ष ने ट्रक ड्राइवर के पैर तोड़ दिए, आपका फिरोजाबाद का दशहरे के दिन का वो तो पुरानी घटना है, एटा में 5 दिनों से मासूम धरने पर बैठे हैं, 10 सितंबर को उनके भाई की हत्या हुई थी, हत्यारों को सजा दिलाने की मांग और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, मिर्जापुर में एक हत्या हुई उसमें भी पुलिस पर आरोप लगे, इसके बाद आपका झांसी में हवालात में ही चोर की इतनी पिटाई हुई, आईसीयू में भर्ती हो गया, मामूली चोर था वो, बाइक चोर था वो, उसको इतना मारा इन लोगों ने, कानपुर में 10 दिनों में दर्जनों घटनाएं, हत्या लूट सांप्रदायिक संघर्ष, लखनऊ में गर्भवती महिला के साथ मारपीट, घंटों बाद पुलिस नहीं पहुंची, डालीगंज की मामला है, डालीगंज पुल की, गाजियाबाद में 19 लाख के लुटेरे जा रहे हैं एसएसपी ऑफिस में और मुंहों पर ताव दे रहे हैं पुलिस वाला कड़ाव के, गोरखपुर एक कंसर्न ये है, कंसर्न ये है कि ये इमेज सुधारनी पड़े, इनके खिलाफ एक्शन करना पड़ेगा, योगी और मोदी के क्षेत्र में हो रहा है, कौन सा मुख्यमंत्री लेगा, यहाँ तो 4 मुख्यमंत्री है ना, प्रॉब्लम ये है, आईपी सिंह साहब इनका इनके खिलाफ कुछ करना पड़ेगा, इसलिए कि डीजीपी साहब अच्छे हैं, ईमानदार छवि है, लेकिन कुछ कुछ अगर हो नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं तो सवाल उठेगा ना, देखिये रमन जी, भारत समाचार की साख बहुत जबरदस्त है,
जितनी बातें जितनी बहस हो रही है सरकार सारा संज्ञान लेती है। जो भी थानाध्यक्ष अगर दोषी पाए जाएंगे निश्चित तौर पर विश्वास दिलाता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कप्तान दोषी हैं उन्हें कतई हमारी सरकार उन्हें माफ नहीं कर सकती। खबर दिखाई थी किसी भी कप्तान मध्य प्रदेश के परमिट पे, सोनभद्र सुनिए, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कल हमने मध्य प्रदेश की परमिट पे सोनभद्र पैसा लेके थाने में खबर दिखाई होगी तो कहां ये सारा मिलीभगत से हो रहा है। पुलिस वाले खनन में, वसूली में, इन्हीं सब में लगे हुए हैं, तो इनके खिलाफ कुछ एक्शन करवाइए। इसलिए कि वीरेंद्र जी आखिरी रिएक्शन आपसे लेंगे कि इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अब जवाब मांग रही है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अल्टीमेटम दे रही है ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों को कि सुधर जाओ अन्यथा जनता सुधारेगी। हम सुनर करें समाजवादी सरकार अखिलेश सरकार का, जब तक पुलिस से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक अपराधियों पर नियंत्रण नहीं हो सकता। और दो चीज चुनौतियां इस सरकार के सामने हैं। जी तो दीजिए कि भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार का आरोप सार्वजनिक रूप से लगाया जा रहा है वो भ्रष्टाचार पर हमें सुझाव भी देना चाहिए। आईपी सिंह साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रष्टाचार बात की बात है, कैसे किया जाए? पहले 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 एक मैसेज देके आप मैसेज तो दीजिए, अपने आप उधर जाएगा। एक एसपी को सस्पेंड कीजिए, एसपी आप जिले सुनिए मेरी बात सुनिए। चलिए आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, जिले में घटना हो रही है एसपी को करिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। अभी जब तक बड़े अधिकारियों पर गाड़ी नहीं गिरेगी तब तक कुछ नहीं होगा। आईपी सिंह साहब भैया आप कांग्रेस की तरह मत बताइए। चलिए आईपी सिंह साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आसिफ रिजवी साहब आईपी सिंह साहब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगदेव जी आपका धन्यवाद, वीरेन जी आपका धन्यवाद, आसिफ जी और आईपी सिंह साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये कहेंगे कि जिस एसपी के खिलाफ शिकायत मिलेगी एक्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिरोजाबाद में उस एसपी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, भारत समाचार ये सवाल उठा रहा है। ऐसे तमाम एसपी के खिलाफ, वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ जहां जिनके इलाके में अपराध हो रहे हैं, ये समाचार और ये भारत समाचार ये सवाल हमेशा उठाता रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।